सैयदा मेमुना हैं और हम लोग मेरे लड़की हैं, उनकी जो है पास्ट में ब्रेन सर्जरी हुई थी। आफ्टर 5 ईयर्स उन्होंने प्रेगनेंसी आई उनको। अभी प्रेगनेंसी होने के बाद में अचानक से उनको मतलब अपेंडिक्स का भी वो हुआ। पहले हम लोग सुधा मैम को फॉलोअप करते थे। सुधा मैम जो है बहुत अच्छे से केयर करे और कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा, बोलके हम लोग यहाँ पे रेफ़र हुए। कॉम्प्लिकेटेड जितने भी केसेस आते यहीं पे देखते बोल के। तो यहाँ आने के बाद में पता चला कि अपेंडिक्स है बोल के, तो अपेंडिक्स को फौरी सर्जरी करना है, अगर नहीं करेंगे तो जाके बच्चे को भी और उनकी मदर को भी जान को ख़तरा है बोल के मालूम हुआ। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी है और इसको बहुत केयरफुली करना पड़ता बोल के हम लोग फिर यहाँ पे रेफर होके एग्री हो गए। फिर जैसे ऑपरेशन सर्जरी हुई, एट द टाइम ऑफ सर्जरी बहुत हाई रिस्क था और बहुत परेशान थे, लेकिन मैम बोले कि हम जितना हो सके पूरी कोशिश करेंगे, 99% हमारे हाथ जितना हम करेंगे बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। तो हम लोग बोले ठीक है। फिर जैसे सर्जरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही स्मूथली सर्जरी हुई विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, बहुत केयरफुली उन्होंने किया और पेशेंट भी बहुत ज़्यादा जल्दी से रिकवर हो गए। सुधा मैम और डॉक्टर नारायण डीवीएल नारायण सर दोनों मिलके ये केस करे और पूरी टीम थी उनकी, न्यूरो सर्जन, न्यूरो फिजिशियन, गैस्ट्रो सर्जन जितने भी हैं, जितने सारे टीम लेके बहुत ही उससे जो है केयरफुली उन्होंने ये सर्जरी दी और हम बहुत ही सेटिस्फाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट भी बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो गया ऑपरेशन और बहुत जल्दी फास्टली रिकवर हुए और अब डिस्चार्ज भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही केयरफुली होके। सर्विस तो इतनी अच्छी है यहाँ पे, एवरी हाफ एन आवर आके विदाउट एनी मतलब हम लोगों को बुलाना ही नहीं पड़ा, किसी भी नर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं थी, किसी को भी वो नहीं, हर हाफ एन आवर को हर सिस्टर हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, एवरी टाइम विदाउट एनी मतलब इंफॉर्मेशन वो लोग खुद आके अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे उससे करके जा रहे थे। बहुत ही गुड एंड केयरिंग सर्विस है, हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी है, यहाँ पे खाने का भी जो है बहुत अच्छा इंतज़ाम है, हाइजेनिक फूड है और एकदम एडोरेबल, मतलब बहुत ही एफर्ट कर सकते हैं हम, अफोर्डेबल वो है समझे, खाने का भी बहुत अच्छा है।